कि रावण ने मनुष्य और बंदरों से मृत्यु क्यों मांगी। अब संतों ने अपनी अपनी भंगिमा से इस पर चिंतन किया है। एक संत कहते हैं कि रावण मनुष्य और बंदरों को बड़ा ही तुच्छ प्राणी समझता था। रावण कहता था नर कभी भालू आहार हमारा, ये तो हमारे सहज आहार है, तो इनको तो मैं ऐसे ही खा पी लूंगा, ये हमें क्या मार पाएंगे। तो इसलिए मानो तुच्छ समझ करके कहा कि मनुष्य और बंदरों को छोड़कर हमें कोई मार न सके। एक संत कहते हैं कि बानर मनुज कह करके रावण ने एक संकेत दिया, वह मनुज मुझे मारे जिसके बस में बानर हो। राम जी के बस में बंदर थे, राम जी ने वानरों को बस में किया, उनकी सेना बनाई और रावण का वध किया। तीसरा संकेत यह है कि बंदर माने चंचल मन, वह मनुष्य मुझे मारे जो अपने मन को अपने वश में किया हो। अथवा एक संत कहते हैं कि रावण ने मानव मात्र को एक चुनौती दी है। रावण कहता है संसार में जब जब दानवता मिटेगी तो मानवता से ही मिटेगी, संसार में जब जब भी दनुजता मिटेगी तो मनुजता से ही मिटेगी, संसार के दानव तो मानव से ही मिटेंगे। यदि कोई पूर्ण मानव बनने को तैयार हो तो रावण मरने को तैयार है, लेकिन प्रश्न यह है कि वह मानव बनना चाहिए। हमारी आकृति तो मनुष्य की है, लेकिन हम प्रकृति से मनुष्य नहीं है। प्रकृति से मनुष्य होना क्या है? देखिए, क्रिया तो पशु और मनुष्य की समान ही होती है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत पशु भी नाराणाम। भोजन हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं, सोते हम भी हैं, पशु भी हैं, बच्चा हम भी पैदा करते हैं, पशु भी पैदा करते हैं, भय आने पर हम भी डरते हैं, पशु भी डरते हैं। फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? कहा एक अंतर सबसे बड़ा तो यह है कि मनुष्य धर्म को जानता है और पशु धर्म को नहीं जानते। देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में स्त्री चार रूपों में आती है। मां के रूप में, पुत्री के रूप में, पत्नी के रूप में और बहन के रूप में। लेकिन मनुष्य इन चारों के साथ अलग अलग व्यवहार करता है कि नहीं? स्त्री तो चारों है, मां से अलग व्यवहार, पुत्री से अलग व्यवहार, पत्नी से अलग व्यवहार, बहन से अलग व्यवहार। लेकिन पशुओं में यह धर्म नहीं होता, यह विवेक नहीं होता, वो कहीं से बच्चा पैदा करते हैं। इसका मतलब है यदि हमारे जीवन में धर्म न हो तो हम भी पशु की तरह हो जाएंगे। धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्म ही हमें पशुता से अलग करता है। यदि धर्म न हो तो मनुष्यता और पशुता का विभेद नहीं हो सकता। भागवतकार तो कहते हैं कि आज मनुष्यों पर चार पशु हंसते हैं, स्वविड वराहोश खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। ये चार पशु हम मनुष्यों पर हंसते हैं। हंसने वाले में सबसे पहला पशु है कुत्ता। स्व माने होता है कुत्ता। कुत्ता क्यों हंसता है? कुत्ता कहता है भगवान ने झगड़ा करना हमारा धर्म बनाया था, मनुष्यों ने हमारे धर्म को छीन लिया। आज कुत्ते उतना नहीं लड़ रहे हैं जितना मनुष्य लड़ रहा है। कुत्ते भले ही मौन हो जाएं देखकर दूसरे कुत्ते को, लेकिन मानव मानव से लड़ने के लिए तैयार बैठा है। विडवराह कहते हैं सुअर को। सुअर कहता है गंदगी खाना भगवान ने हमारा धर्म बनाया था, मनुष्यों ने हमारे धर्म को छीन लिया। हमसे ज्यादा गंदगी तो यही खा रहे हैं। खाने पीने का विवेक पशुओं में है। घोड़ा घास खाता है, शेर मांस खाता है, लेकिन मनुष्य ये तो सर्वभक्षी है। ये तो कुत्ता मार के भी खा जाए, ये तो पशुओं को मार के भी खा जाए, ये तो कुछ भी खा ले। विडवराह माने सुअर कहता है हमारे धर्म को मनुष्यों ने छीन लिया। गधा तीसरा प्राणी, तीसरा पशु है जो हंसता है। ये कहता है भार ढोना हमारा धर्म था, मनुष्यों ने हमारे धर्म को छीन लिया। किसी से पूछो भाई साहब आप कथा में नहीं दिखे, क्या बताऊं महाराज जी, बड़ा भार है, बड़ा भार है। मन ही मन गधा मुस्कुराता है, हमसे ज्यादा भार तो यही ढो रहे हैं। हाँ, आप देखेंगे कभी कभी लोग चाय की दुकान पे खड़े होंगे, पान की दुकान पर, पान की गिल्लोरी मुंह में डालें या चाय की चुस्की लेकर कहते हैं इसराइल की राजनीति खराब है,
अमेरिका भी ठीक नहीं है, रसिया भी ठीक नहीं है, माने इन्हीं के सिर पे रसिया, अमेरिका, इजराइल सबका भार है। इन्हीं के सिर पे सारी दुनिया का भार है, और घर पे नमक तेल की भी ठीक से व्यवस्था नहीं कर पाते, गधे से भी ज्यादा भार लिए घूम रहे हैं। चौथा पशु है, उसका नाम है ऊंट, स्वर्वराहोष्ट खरई है। ऊंट कहता है गर्दन ऊंची करके चलना भगवान ने हमारा धर्म बनाया था, मनुष्यों ने हमारे धर्म को छीन लिया, थोड़ा ज्ञान नहीं हुआ, थोड़ा धन नहीं हुआ, थोड़ी प्रतिष्ठा नहीं मिली, थोड़ी कीर्ति नहीं मिली कि हम ऊंट से भी ऊंची गर्दन करके चलने लगते हैं, हमसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। अज्ञे जी का नाम आपने सुना होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, उनकी एक कविता है, मुझे पूरी पंक्ति तो याद नहीं है, लेकिन व्यंग क्या है, सर्प तुम शहर तो गए नहीं, फिर तुम्हारे भीतर विष कहां से आया, अगेजी की पंक्ति है। इसका मतलब आज सांप उतना विषैला नहीं है जितना मानव हो गया। सांप भी अकारण नहीं डसता, मनुष्य तो अकारण डसने को तैयार है। हमने घटना सुनी है कि एक महात्मा गुजर रहे थे तो एक हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में गए तो उस हॉस्पिटल में जो कक्ष था उसके बाहर रोगी का नाम और उसकी समस्या और रोग होने की ठीक होने की अवधि लिखी थी। तो जब वो पहले दरवाजे के पास गए तो उस कक्ष में जो रोगी था उसका नाम लिखा था, और लिखा था कि इसको इसको सांप ने काटा है, ये दवा दे दी गई है, इतने दिनों में ठीक हो जाएगा। दूसरे कमरे में गए तो लिखा था कि इसको किसी कुत्ते ने काटा है, इसको सुई दे दी गई है, 16 दिनों में ठीक हो जाएगा। और जब तीसरे कमरे में गए तो रोगी का नाम लिखा था और लिखा था इसे किसी मनुष्य ने काटा है, इसकी कोई दवा नहीं है और ठीक होने की कोई अवधि नहीं है। आप समझ गए, इस व्यंग के दर्पण में आप झांक करके देखें, इस व्यंग के आईने में आप झांक कर देखें तो पाएंगे कि आज मानवता कितनी पतनोन्मुख हो चुकी है। हमने पशुओं के धर्म को छीन लिया, पशुओं में कहीं न कहीं कुछ न कुछ मानवता दिख जाएगी, लेकिन मनुष्यों में पशुता दिखने लगी। जब मनुष्य धर्म को छोड़ दे तो उसके जीवन में पशुता ही दिखेगी। महाराज, रावण की चुनौती है मानव मात्र को। रावण का तात्पर्य है कि यदि कोई मनुष्य बनने को तैयार है तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। और आज ब्रह्मा जी ने कहा, देखो देवताओं, यदि कोई मनुष्य प्रयास करे तो रावण मरेगा। ना कीर्तयद्वज्ञानात् तदरक्षो मानुषांस्तदा तस्मात् समानुषात् बद्ध्यो मृत्योर्नान्योस्य विद्यते। जब तक कोई मनुष्य प्रयास न करे तब तक रावण की मौत नहीं हो सकती, कोई मनुष्य ही मारेगा, मैंने यही वरदान दिया। तो देवताओं ने पूछा ब्रह्मा जी से कि क्या कोई मनुष्य अभी तक रावण को मारने का प्रयास नहीं किया? तो ब्रह्मा जी ने घटना सुनाई कि एक अनरण्य नाम के राजा रावण से लड़े लेकिन रावण को जीतने में समर्थ नहीं हो पाए। तो महाराज, रावण की मौत नहीं होगी, का होगी, लेकिन कोई मानव प्रयास करे तो, धरती पर ऐसा तो कोई मानव दिख नहीं रहा है जो रावण को मारे। देवता सोच रहे हैं, अपनी पीड़ा हमने ब्रह्मा जी से कही, अब ब्रह्मा जी अपनी ही पीड़ा सुनाने लगे। जब संसार में हर कोई पीड़ित है, सारे देवता भी पीड़ित हैं, तो रोए तो कहां रोए? ये भी एक प्रश्न है कि रोना किसके आगे चाहिए, अंधे के आगे रोए और अपना दीदा खोवे, रोना किसके आगे चाहिए? इसका भी नियम है, सबके आगे रोना भी मत, जिसमें दुख दूर करने की क्षमता उसी के आगे रोना भी, सबके आगे मत रोना। आपने भागवत की कथा में सुना होगा, कुंती मैया खड़ी हैं, सुभद्रा खड़ी हैं, समर्थ पांडव खड़े हैं, लेकिन उत्तरा रोने के लिए श्री कृष्ण के पास गई, श्री कृष्ण के चरण पकड़कर रोती हैं। हम कहां रोएं, इसका भी नियम है। कबीर साहब कहते रोना है तो उसके आगे रो, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है।
एक नन्ही सी चींटी अपने नन्हे से पांव में नूपुर बांध करके परमात्मा के नाम पे नाच जाए तो उसके नूपुर की ध्वनि को भी वह परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा सुन लेता है। रोना है तो उस भगवान के आगे रो, जहां रोना भी सार्थक हो जाए। महाराज, सारे देवता इस यज्ञशाला में रो रहे हैं, हे करुणाकर ठाकुर, हे परमात्मा, इस रावण के अत्याचार से पूरी पृथ्वी व्याकुल है। रावण के अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार से पूरी पृथ्वी रो रही है। देवता रो रहे हैं, ब्राह्मण संत रो रहे हैं, सारी दुनिया रो रही है, इस सबको रुला रहा है। और तो और छोड़ो, ब्रह्मा और शिव भी भीतर से दुखी है। कौन इनके आंख के आंसुओं को पोछेगा? हे ठाकुर जी, एक बार कृपा करो, आप अवतार लेकर के आ जाओ, आप मानव बनकर के आ जाओ, आप नर बनकर के आ जाओ। हे नारायण, इस रावण से, इस रावण की समस्या से हमें छुट्टी दिलाओ। सारे देवता मिलकर के पुकारते हैं, रोते हैं।